गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल द मुर्गू कपल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज है कितना तारीख है, आज 13 अगस्त है और फाइनली हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू जम्मू कश्मीर बाई रोड जा रहे हैं। तो हाँ, ये ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है। बाई रोड हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर 12 घंटा का टाइम है ना। 12 घंटा है और कितना किलोमीटर है जी? 680 के आसपास। हाँ, 680 के आसपास किलोमीटर है, तो ये 12 घंटा जैसा टाइप लगेगा। तो अभी हम लोग निकले हैं सुबह 7 बजे। वैसे हमें सुबह जल्दी से जल्दी निकलना था, 3-4 बजे का हमारा जो आइटनरी था उसमें हमने 3-4 बजे का मेंशन किया था, बट ये लोग सारे ये तो बिना अलार्म के सो गए और ये जनाब अलार्म लगाए थे ऑफ करके वापस से सो गए। और मेरा नींद खुला 5:30 बजे, फिर वही सब पैकिंग वगैरह होते होते हम लोग अभी निकले हैं 7 बजे। तो ऑलमोस्ट शाम का 7 बजे करीब पहुंचेंगे हम लोग जम्मू। तो जम्मू में हमारा आज स्टे है वहाँ पे ओवर नाइट का, उसके बाद हम आगे का जो है वो जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये ट्रिप अच्छा होने वाला है, ये थोड़ा सा लंबा है, टोटल हमारा 8 दिन का ये ट्रिप है, तो अच्छा खासा लग जाएगा। और बाहर का व्यू आप देख पा रहे हो कि सूरज निकल गया है और ये खेत ही खेत है। तो हम लोग वो चंडीगढ़ वाले रास्ते से जा रहे हैं ना, जो जैसे शिमला वगैरह जिस रास्ते से जाते हैं उधर ही से ही जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ तक तो हमें आइडिया है मतलब रोड का, उसके बाद हमें थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग भी वीडियो में कंटिन्यू रहिए और देखिए हमारा ये दिल्ली टू जम्मू कश्मीर का रोड ट्रिप। तो सुबह तो हमने कुछ खाया पिया नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बस नहा धो के रेडी होके, और सामान हमने तो पहले ही पैकिंग कर रखा था, बस लास्ट में जो है खाने पीने का सामान पानी वगैरह वो सब हमने बॉटल वॉटल भरा और हम लोग निकल गए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह अभी तक कुछ किया नहीं है हमने, 8:30 बज गया, तो कहीं अच्छा सा जगह देख के हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं पानीपत और ये है केसर ढाबा, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और अच्छा खासा पार्किंग है इधर, पूरा पार्किंग है, कहीं पे भी आप गाड़ी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। चलें, कैसा लग रहा है ड्राइविंग करके? बहुत अच्छा। हाँ, और ये पूरा जम के सोया है पीछे बैठ के। ये ऐसे लोग हैं, सोते रहते हैं और बोलते हैं आई लव रोड ट्रिप। सोएंगे फिर एनर्जी आएगा ना रोड ट्रिप। हाँ, चलो देखते हैं। ऐसे स्पेशियस है काफी अंदर से। प्राइस तो रिजनेबल लग रहा है और सब आइटम मिल रहे हैं। हम खाएंगे पराठा, आलू पराठा खाते हैं, सेफ एंड पूरा सेफ। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, ये आलू पराठा और ये है देसी बटर और अचार। चलो एंजॉय। तो ये इस रास्ते में ना मुझे एक चीज़ ये नज़र आया, जैसे हम लोग हिमाचल वगैरह जाते हैं ना, तो हिमाचल जाने के टाइम आपको रास्ते में बहुत सारे ढाबा खाने के रेस्टोरेंट होटल वगैरह मिलेंगे, बट आप चंडीगढ़ से अगर आप जम्मू की तरफ जब आप टर्न करोगे ना, तो उस रास्ते में खाने का बिल्कुल भी होटल भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें बहुत हुआ था, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि होटल वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तो हमें जब पहले ही मिल जाता तो हम पहले ही खा लेते, बट हमें इस रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो फिलहाल अभी हम ये चंडीगढ़ वाले रास्ते में हैं, तो यहाँ पे होटल और ढाबा वगैरह काफ़ी है और स्काई जो है ना इतना साफ़ इतना सुंदर दिख रहा था। जो लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं ना, उनको पता होगा अभी फ़िलहाल दिल्ली का मौसम कितना अच्छा है, आसमान इतना क्लियर है, पोल्यूशन नहीं है, तो जो मतलब क्या ब्लू स्काई हम दिल्ली वालों को अभी देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये व्यू। तो आप लोग भी व्यू इंजॉय करिए और हाँ, इस ट्रिप में हमारे साथ आप लोग भी बने रहिए।
चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और रास्ते में ना इस टाइप का जो होता है गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, ये आप कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, अब बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, करीब शायद 30-40 रुपये करके ग्लास होता है। ढूंढने के बाद हम लोग आ गए हैं मैकडी में और टाइम हो रहा है अभी 3:15, लंच का टाइम है। 2 बजे से ढूंढ रहे हैं, 1 घंटा हो गया। वही तो फुल है। ये हमारा शॉर्टकट लंच, कितना ढूंढने के बाद। ये चिकन रैप। तो लंच वंच करने के बाद हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी और ये एक आया टोल और यहाँ से जम्मू करीब 181 किलोमीटर और डिस्टेंस है। तो बस ऐसे ही हमारा रोड ट्रिप है। हम लोग नाचते गाते अंतराक्षरी खेल रहे थे, सो रहे थे, गॉसिप कर रहे थे करके हम लोग निकल रहे थे। और देखो रोड ट्रिप में आपको ना इस टाइप के थोड़े से दिखते हैं, इसका बाइक से इतना धुआं निकल रहा था, मैंने लिटरली इतना, और वो लोग 3 या 4 लोग जैसे बैठे हुए थे। तो बस ऐसे ही जो है, और यहाँ से ना पहाड़ दिखना जो है वो शुरू होता है, तो इतना सुंदर लग रहा था। आप रोड देखो, रोड कितना पीच है और सामने आपको इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, मतलब कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर हो नहीं पा रहा था, बट रियल में जो हमने देखा ना बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। तो जैसे ही आप जम्मू इंटर करोगे ना बॉर्डर के पहले, आपको ये जो चौक है ये है महाराजा गुलाब सिंह का, ये एक स्टैचू बना हुआ है। तो फाइनली वेलकम टू जम्मू कश्मीर, वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी हम लोग जम्मू इंटर कर चुके हैं और यहाँ इंटर करने के बाद ना यहाँ अलग ही दुनिया है, मतलब यहाँ के लोग एकदम अलग दिख रहे थे, उनका जो कपड़ा है वो अलग दिख रहा था, मतलब लग रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि हमारा ये फर्स्ट डे है। तो हम लोग पहुँच गए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम, तो हम लोग आज यहाँ पे 1 नाइट स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर हम लोग कवर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में हॉल्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो बस हम आज यहाँ पे स्टे करने वाले हैं और इनका जो गार्डन था भाई साहब, कितना प्लांट्स थे यहाँ पे, इतने सारे प्लांट्स, पता नहीं लोग मेंटेन कैसे करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बस ये हमारा आज का यहाँ स्टे होने वाला है। तो हमारा डिनर वगैरह हो गया है और अभी हम आ चुके हैं बेड पे और ये लगा हुआ है कैमरा वगैरह का मेमोरी खाली करने के लिए। तो यहाँ पे गर्मी है ना, जैसा हम ठंड प्लान करके आए थे तो उस हिसाब से तो अभी तक तो गर्मी लग रहा है, मतलब हम लोग नॉर्मल कपड़े में हैं। तो आज तो हम यहाँ पे जम्मू में 1 नाइट स्टे कर रहे हैं, कल हम लोग जाएंगे यहाँ से गुलमार्ग, है ना? हाँ, कल हम लोग यहाँ से जाएंगे गुलमार्ग, तो वहाँ पे हमारा शायद 2 दिन का स्टे है। तो उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू श्रीनगर हम जा रहे हैं, फिर कहीं एक और पहलगाम वगैरह, वो सब उस तरफ कवर करेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली ना सिम कार्ड पोस्टपेड वाला यूज़ होता है, तो हमारे पास सिर्फ 2 सिम कार्ड हैं जो पोस्टपेड है, एक से तो हमारा वाईफाई चल रहा है और नेट का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास वाईफाई वगैरह है तो आप वो लेके आइए, हमने तो अपना लेके आया तो हमारा काम चल जा रहा है, अदरवाइज नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है यहाँ पे। और बस ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा थके हुए कंटिन्यू, शायद पूरा का पूरा 12 घंटा लग गया है ना।
हम सुबह निकले थे वहां से 7 बजे और एकदम जम्मू पहुंचे हैं हम लोग 8 बजे, तो ऑलमोस्ट लग गया है मैंने ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब मिला के। और वेदर तो आज तो गर्मी है, कल देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, कल हम लोग जाएंगे यहाँ से गुलमार्ग, फिर वहाँ से नया दिन नया व्लॉग नया वीडियो स्टार्ट होगा। तो अगर ये वाला दिल्ली टू जम्मू अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और द मुर्मू कपल चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। काफ़ी ज़्यादा हम लोग थके हुए हैं, चलो गुड नाइट।